जगत में सत्य दिल में प्रगटो शांति तुष्टि पुष्टि पाओ जीवों पाओ मंगल माल आत्मिक रिद्धि सिद्धि पाओ पाओ सब कोई पद निर्वाण प्रभु पाओ सब कोई पद निर्वाण ओ तीनों लोक के सभी जीवों का कल्याण मंगल और शीघ्र ही मोक्ष हो ऐसी मंगल भावना पूर्वक ग्रामे श्री ढेढिया के बुद्ध जन कलिते लब्ध जन्मासुरंगे प्रातः स्मर्तव्य नामा वर विबुधन तो संयमे लीन चेता विख्यातोन्वर्तनाम्ना विरचित विविध ग्रंथरत्न प्रमत्तो मोक्ष श्रीदायकोश जयति जयतु भुवि चिरं श्री गुणाम्बोधिशूरी श्री गुण सागर शूरी आज महाशूरी तीज का पवित्र दूज का पवित्र दिन आज किस विषय पर व्याख्यान होने वाला है पता है नहीं पता है कल जाहिरात किया था वहां पर क्या जाहिरात की थी निरूपण बोलो तो भूल गए आज हमारी अनंत उपकारी राष्ट्र संत भारत दिवाकर तीर्थ प्रभावक तपो निधि यथार्थ नामी अनेकानेक सद्गुणालंकृत ऐसे महान आचार्य भगवान और श्री गुणसागर सुरेश्वर जी महाराजा साहिब और आपकी जन्म तिथि है कितना ही कितना साल पूरा हुआ इनके जन्म को 108 नौकर मंत्र के मन के भी 108 होते हैं तो 108 साल इनके जन्म को पूरा हुआ है आज के दिन उनकी जन्म तिथि है इसीलिए हम आपका गुणानुवाद आज करेंगे ध्यान से सुनना और इसी के आधार से कल या परसों कभी भी इनामी प्रश्नोत्तरी भी होगी बराबर याद रखना बराबर इधर उधर आपस में लिखना बातें नहीं करना ध्यान से सुनना है हाँ तो आपकी जन्मभूमि कच्छ में मांडवी तालुका का
डेढ़िया नाम का गांव है। अभी मैं श्लोक बोला उसमें आया ग्रामेसी डेढ़िया के, डेढ़िया नाम के गांव में आपका जन्म हुआ था। विक्रम संवत 1969 बरोबर 1969 विक्रम संवत ईस्वी सन में उसमें आपका जन्म हुआ था। आपकी रत्नकुक्षी माता का नाम क्या था? धनबाई, धनवाली, धन बहुत धनवाली, धनबाई नाम था। सदगुण रूपी धन उनके पास बहुत थे। ये जो धन है वो तो मीडियम भले था लेकिन सदगुण संस्कार रूपी धन जिनके पास बहुत था इसलिए उनका नाम भी था धनबाई माता। और पिता का नाम क्या था? लाल जी भाई। क्या नाम था? लाल जी भाई नाम था। और आपका गोत्र कौन सा था? छेड़ा। किसी का डेडिया, किशोर भाई डेडिया, प्रियकांत भाई डेडिया, गांव भी डेडिया उनका। तो गांव का नाम आपको जल्दी याद नहीं थकेगा, डेडिया सरनेम वाले बैठे हैं यहाँ पर। तो छेड़ा दो अक्षर छेड़ा गोत्र के आप उदीपक रत्न थे। और विक्रम संवत 1969 में आपका जन्म हुआ था रेडिया गांव में। और कहा जाता है कि पुत्र ना लक्षण पारनामा, अने लक्षण पारनामा एकदम तेजस्वी सुडोल शरीर वाले, तेजस्वी आंखों वाले, अनेक गुणों से दीप्यमान ऐसे उनका नाम क्या रखा गया? दांग जी भाई। क्या नाम रखा गया? दांग जी। याद रखना बरोबर दांग जी नाम था उनका। हाँ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ दांग जी भाई। चलो आगे बढ़ो। तो माता ने बचपन से ही उसमें बहुत अच्छे अच्छे धर्म संस्कार डाले थे, पूर्व जन्म के भी आराधना साधना के संस्कार लेकर के आए थे। और ऐसा पुण्य होता है तभी ऐसे धर्मनिष्ठ माता पिता मिलते हैं। तो माता धनबाई ने भी क्या हुआ उनमें गांगजी कुमार में बहुत अच्छे अच्छे धर्म संस्कार डाले थे। रोज भगवान का दर्शन करना, पूजन करना, उसके बिना मुंह में कुछ खाना पीना नहीं, गुरु महाराज का भी दर्शन वगैरह करना, रोज ऐसा करना चाहिए। गुरु महाराज न हो तो उनकी तस्वीर घर में रखनी चाहिए, उनको भी वंदन करना चाहिए। तो इस प्रकार से देव गुरु और धर्म की आराधना के अच्छे संस्कार माता धनबाई ने गांधी कुमार के हृदय में बचपन से ही डाले थे। ऐसे करते करते दिन दुगुना और रात चौगुना धर्म संस्कारों के साथ बढ़ता हुआ यह गांधी कुमार करीब करीब 12 साल की उम्र का हुआ था। कर्म के उदय से कई बार बच्चों को भी हो जाती है, बीमारी हो जाती है, वो जन्म से ही मुंह और बधिर होते हैं। कोई ये को पोलिया होता है, इनको करीब करीब 12 साल आसपास की उम्र में एक रोग हो गया शरीर में जिसका नाम था, क्या नाम था? चेचक। चेचक समझते हो क्या होता है? उसमें पूरे शरीर पे फोली फोली हो जाती है, इसमें वो रस्सी भी होती है, उसको माता जी शीतला माता शीतला भी बोलते हैं। हमको भी बचपन में हुआ था। और किसी किसी को इतना होता है कि बाद में भी वो शांत हो जाता है, उसके बाद में भी उसके चिन्ह रह जाते हैं चेहरे वगैरह के ऊपर। तो वो गांधी भाई उनको चेचक रोग हो गया करीब 12 साल की उम्र में। और उस रोग के कारण वो बालक मूर्छित जैसा एकदम हो गया। उस जमाने में इतने डॉक्टरी इलाज नहीं थे एलोपैथी आदि के, तो माता पिता वगैरह पर परिवारजनों को लगा कि ये बालक ओम शांति हो गया, अभी समाप्त हो गई ऐसा लगता है। तो फिर उसके गुजर जाए कुछ जल बसे फिर क्या करते हैं? क्या बांधते हैं उस बच्चों को? बोलने वो क्या बांधते हैं उनको? फिर ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? स्वर्ग में ले जाने के लिए कहाँ ले जाते हैं?
स्मशान यात्रा निकलती है ना, अग्नि संस्कार किया जाता है। कुछ लोग मुसलमान वगैरह होते वो जल वो गाड़ देते हैं जमीन में, और हिंदू संस्कृति में क्या होता है अग्नि संस्कार करते हैं, तो उसकी क्या वो बनाई जाती है जिसके ऊपर सुला देते हैं मृतक को, तो क्या बोल देते हैं उसको, क्या बोलते हैं ऐसे ठाठड़ी बोलते हैं, ऐसे ननामी भी बोलते हैं, ननामी जनाजा भी बोलते हैं किसी भाषा में। तो उनको उनकी तैयारी हो गई, हाँ लकड़ी बांस के ऐसे बांबू वगैरह उसके ऊपर सुला करके शरीर को बांध दिया, कफन उठा करके हाँ बांधने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, बोलो ऐसा हो गया था। हाँ और अचानक क्या हुआ, उनके पांव का एक अंगूठा थोड़ा सा कंपन हुआ, हिला, और किसी ने देख लिया, अरे ये तो बालक जिंदा लगता है, क्या कर रहे हैं अपन, छोड़ 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 सब सब छोड़ दिया। और फिर उपचार किए गए तो बालक ठीक भी हो गया थोड़े ही दिनों में। देखो हम सभी के बहुत पुण्य होंगे, हमारे कच्छ के समुदाय के संघ के शासन के सभी के पुण्य, जैसे मानो वो जैसे श्मशान की जिसकी तैयारी हो रही थी श्मशान यात्रा की अग्नि संस्कार की, वो बालक गच्छ की गाड़ी पर गच्छाधिपति शासन प्रभाग आचार्य भगवंत बन गए। और इस निमित्त से इस प्रसंग से उनके हृदय में वैराग्य की ज्योत जल गई, जीवन ऐसा है क्षण भंगुर, किसी भी उम्र में मृत्यु आ सकती है, और मुझे तो ये जीवन दान मिला है, समझो आज की भाषा में व्यापारी भाषा में कहो तो क्या मिला है, बोनस मिला है। दीपावली वगैरह आती है तब नौकरों वगैरह को एक महीने का पगार अधिक देते हैं, तो उसको बोनस बोलते हैं, तो ये जिंदगी अभी बोनस की मिली है समझ लो, इसीलिए उसके मुझे पूरे पूरा उपयोग करना, एक एक क्षण का एक एक समय में इसका बराबर उपयोग करना है, प्रमाद में आलस्य में निंदा कथा में मुझे समय गमावा नहीं है, अधिक से अधिक मुझे आत्म साधना करनी है, आराधना करनी है, देव गुरु धर्म की उपासना करनी है, और आगे चल करके मुझे क्या लेना है, क्या गई वंशिका नहीं आई आज, कोई वंशिका नहीं, मम्मी नहीं है, तो मुझे क्या लेना है, लेना है ना बनाओ करके भावना रखनी है, देखो भी तैयार हो गए लेने के लिए दोनों, उनके निमित्त से धरण गांव में लाइन चालू होनी चाहिए, हर साल एक दो होना चाहिए, चलो तो क्या हुआ कि मन में भावना जग गई कि मुझे चारित्र लेना है, दीक्षा लेनी है, साधु बनना है, मुझे संसार में साड़ी क्वाड़ी करनी नहीं है। और फिर धीरे धीरे अपने माता पिता के पास भी बात हो रखी, आगे चल करके भावना जग गई थी। और फिर क्या हुआ, उस जमाने में ज्यादा पढ़ाई नहीं होती थी, करीब चार किताब केवल वो पढ़े, गुजराती चार किताब फर्स्ट स्टैंडर्ड तक पढ़े, और उनके पिताजी का मुंबई में वडाला के पास में कौन सा है गांव, शिवरी, वहां पर उनकी दुकान थी, उनको कंट्रोल अपने शिवरी के बारे में, फिर वहां पर बुला लिया उनको कच्चे परिवार के साथ, मैंने उनकी माता जी भी थी साथ में, तो वो क्या करते थे, एक और अपने पिताजी को दुकान में भी हेल्प करते थे, मदद करते थे, और इधर घर में अपनी माता जी को भी रसोई आदि में भी वो सहाय करते थे, बाबा की कितनी अच्छी सेवा की, उसके आशीर्वाद लिए, अभी तो इतने मान आचार्य बने हैं, बरोबर ना, आपको भी क्या करना है, माँ बाप की अच्छी तरह सेवा करनी है, हर रोज सुबह क्या करना है, लेते हैं आशीर्वाद लेते हैं, पांच छूते हैं माता पिता के, कितने ये नहीं छुट्टी आता है, फिर को नीचे लिखती है माँ बाप को, कभी कभी तो ऐसा करना, खाना भी कभी कभी, रोज नहीं खाने का, रोज नहीं नहाने का, कभी कभी खाना, हाँ कभी कभी नहाना, जिस दिन माँ बाप के पांच हो उसी दिन खाना पीना, उसी दिन नहाना धोना, नहीं तो नहीं चलेगा, वो तो रोज चाहिए, टीवी भी तो रोज देखना चाहिए था, तो फिर माँ बाप के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद भी रोज लेना चाहिए, जैनम कुमार भी तो पधार रहे हैं,
तो माँ बाप को पांव रोज छूना चाहिए। आपके लिए निकोज ले आया जन्म कुमार, पेड़े ले आया है, लेकिन उसकी ओर से नहीं है, हमारे छोटे महाराज की संसारी स्वयं के जो वो ना मातुशी अनुसार है, रोज प्रभावना होती है, बच्चे वगैरह आपको भी इनाम मिलते हैं, इनके ओर से आज इनके ओर से कल फिर इनके माता पिता की ओर से होगा कुछ। तो हाँ जन्म कुमार दादाजी को पांव छूता है रोज, आशीर्वाद लेता है नहीं लेता, सत्यवादी है इतना तो है। भी करना है, देखो अभी चल रहा है साहब के पुराणुवाद चल रहे हैं, तो रोज माता और पिता की सेवा भक्ति अच्छी तरह करते थे, पिताजी को दुकान चार किताब पढ़े तो उम्र कितनी होगी, 9 साल की तो करीब होगी, ऐसी उम्र में भी पिताजी के दुकान में भी सहायक करते, माताजी को घर कार्य में भी सहायक करते और साथ में धार्मिक अभ्यास भी करते थे। देखते ही देखते क्या कर लिया, कंठस्थ पांच प्रतिक्रमण कंठस्थ कर लिया, जैसे देखो ये नेहा ने कर लिया, उसके भाई दिव्येश ने कर लिया है, तुम लोग कब करोगे, पांच प्रतिक्रमण कंठस्थ कर लिया। हाँ और साथ में धीरे धीरे एक सामायिक मंडल की स्थापना की, समूह सामायिक वो खुद दूसरों को पढ़ाते थे धार्मिक। और इधर एक बार ऐसा हुआ हाँ, फिर धीरे 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 थोड़ा बड़े हुए ना तो वैराग्य और प्रबल होता गया, तो मामा को कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है, साधु बनना है, चारित्र अंगीकार करना है, मुझे आत्म कल्याण करना है, इसलिए मुझे अनुमति दो आशीर्वाद पूर्वक बंसी का, देखो आ गई थोड़ा लेट आई, कोई तेरी बात आई थी कुछ। चलो तो क्या हुआ कि मामा के पास उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मुझे अनुमति दीजिए, ऐसे तो माता धार्मिक थी, धन भाई माँ पिताजी तो फिर आजकल जैसे होते हैं धंधे व्यवसाय में व्यस्त रहती है, तो पुरुष लोग तो अधिकांश ये माता धर्मनिष्ठ होते हुए भी बाबा माता को थोड़ा मोह होता है, अपने बेटे के प्रति थोड़ा मोह होता है, राग होता है, ममता होती है, तो इसीलिए वो जल्दी हाँ भी नहीं बोल पाती है, समझदार होते हैं वो ना भी नहीं बोलते हैं, ना बोलेंगे तो अंतराय कर बन जाएगा, हाँ बोलते हैं तो बेटे का थोड़ा वियोग होता है, ऐसे समय में चुप हो जाते हैं, एकदम गंभीर हो जाते हैं, कभी कभी आंख में से आंसू भी निकल जाते हैं। तो फिर क्या किया, कुछ लोग होते हैं क्या करें, महाराज हमारे नसीब में नहीं लिखा, नसीब में लिखा होगा तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ तो करना चाहिए, अपने कर्मों को अंतराय कर्म को तोड़ने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो गांधी भाई ने पुरुषार्थ के रूप में क्या किया, उन्होंने अभिग्रह लिया, जब तक मुझे दीक्षा के लिए अनुमति नहीं मिलेगी तब तक मैं क्या करूंगा, एकाशन एक टाइम भोजन करूंगा, केवल व्याशना नहीं, नौकाशी नहीं, एकाशना ही रोज करूंगा, ऐसा अभिग्रह लिया, पुरुषार्थ कहते हैं। ऐसा पुरुषार्थ कोई कोई होते छेगी का त्याग भी कभी करते हैं, हम भी करेंगे, अथवा हम पाँव में जूते नहीं पहनेंगे, रंगीन कपड़े नहीं पहनेंगे, हाथ में वगैरह में कुछ गहने नहीं पहनेंगे, मिष्ठान नहीं खाएंगे, आम वगैरह फल नहीं खाएंगे, ऐसे ऐसे अभिग्रह भी अलग अलग अनेक प्रकार के कई लोग लेते हैं। आप लोगों ने कितनों ने लिया है कुछ न कुछ अभिग्रह, जब तक दीक्षा न मिले, चारित्र न मिले, तब तक कुछ न कुछ त्याग हरेक को करना चाहिए। देखो पंक्ति ने भी किया है, हाँ मानो आपको लगता है हमारी तो बड़ी उम्र हो गई, हमारा अभी तो सत्यता कम लगती है, तो भी अभिग्रह लिया होगा ना, और मानो इसी जन्म में चारित्र नहीं मिल सका तो अगले जन्म में जल्दी वो चारित्र उदय में आएगा, अगर इसी जन्म में इसके लिए कुछ ऐसा त्याग का संकल्प किया होगा तो। और घर में दूसरा उपाय क्या करना चाहिए, चारित्र के उपकरण घर को घर में बसाना चाहिए, और रोज उसके सामने भावना भानी चाहिए, क्या जसने ही प्यारा रे संयम कब ही मिले, इन्होंने देखो अगले भावना की होगी तभी आज कल उदय में चारित्र आ रहा है ना, अपूर्व अवसर हे वो प्यारे आवसे प्यारे दैसु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो,
सर्व संबंधनु बंधन तीक्ष्ण छेदी ने विचरसु कब महत पुरुष ने मंत्र जो विषय भावना भानी चाहिए, जाप भी करना चाहिए। कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? ओम ह्रीम नमो चारि तस्स का जाप करना चाहिए। एक महाराज साहब है, तो क्या नाम है, दीपशाल सुधर्म सागर जी महाराज, वो तो मेरे ख्याल से हरे कितनों को करोड़ करोड़ जप का संकल्प करवाते, ओम ह्रीम नमो चारि तस्स एक करोड़ मंत्र का जप करना, ऐसा कितनों को वो संकल्प करवाते हैं। कई भाग्यशाली क्या करते हैं, गुरु वंदन, श्री कृष्ण वासुदेव ने 18,000 साधुओं को वंदन किया था ना, तो अपनी जिंदगी में 18,000 बार गुरु वंदन करना, ऐसा विग्रह भी लेते हैं। लिया है, बहुत धन्यवाद। कितना करीब करीब कितना हुआ, 18,000 में से 1,000, 2,000, 5,000 कितना हुआ करीब करीब? हाँ चलेगा वो, हाँ मानो प्रत्यक्ष गुरु भगवान नहीं हो तो अपने घर में भी रख सकते हैं गुरु महाराज की फोटो तस्वीर, आपको ज्ञान जिसके ऊपर ज्यादा श्रद्धा हो, उपकारी हो, आप हो रख सकते हैं, और उनके आगे भी विधि पूर्वक इच्छकार रुटिया के पाठ सहित अथवा तिकुतों के पाठ सहित गुरु वंदन करना चाहिए, बरोबर है। तो क्या हुआ, ऐसे अब पुरुषार्थ करना चाहिए, कुछ ना कुछ चारित्र का उत्पन्न घर में बसाना चाहिए, और फिर कोई गुरु महाराज को जरूरत पड़े तो उसमें से वो रहेंगे तो वो सूझता कल्पनीय ऐसणीय वराने का लाभ मिलेगा। ऐसे सीधा हमारे लिए बाजार में से खरीद करके वराते हैं तो दोष लगता है, वो कृत नाम का दोष लगता है, हमारे निमित्त से खरीदना नहीं। आपको अपनी भावना मानने के लिए घर में चारित्रों पर रखनी चाहिए, और उसमें से जब जरूरत पड़े तो वोराएंगे तो वो निर्दोष वोराने का आपको भी लाभ मिलता है, आपको भी निर्दोष लेने का फायदा होता है। तो चारित्र के उपकरण बसाना चाहिए, विग्रह लेना चाहिए, जाप करना चाहिए। हाँ, और किसी भी साधु साधी की कभी भी निंदा किसी भी नहीं करनी चाहिए, हो गई हो तो उसका प्रायश्चित ले लेना चाहिए। तो आपसी ने क्या विग्रह लिया, एकाशना, जब तक अनुमति मिले तब तक एकाशान विग्रह लिया। ऐसे करते करते 1-2 साल करीब बीते होंगे। एक बार ऐसा हुआ कि वो अपनी माता जी को रसोई में भी सहाय करते थे, तो माता जी कुछ भजिया बना रही थी तेल में, तो अचानक कुछ मसाले का डब्बा कुछ लेने के लिए ऐसा किया तो वो डिब्बा था वो नीचे गिर गया, सीधा वो तेल की गर्म गर्म तेल था उसकी कढ़ाई में अचानक गिरा तो वो उछल करके गरम गरम तेल गांधी बाई के शरीर पे गिरा, गरम गरम तेल गिरता है तो क्या होता है, बड़े बड़े फोल्ले हो गए, कितने सारे हो गए, अभी गरम गर्मा गर्म चाय भी होने को छू जाए ऐसा हो जाता है, इतना सारा तेल शरीर पे गिरा गर्मा गर्म, बड़े फोल्ले फोल्ले हो गए। हाँ, फिर लोगों ने कहा अभी तो कष्ट चल रहा था, और अभी डॉक्टर तो बोलता है कि 3 टाइम दवा लेनी पड़ेगी, उन्होंने कहा नहीं वो दवा बाबा मैं कुछ नहीं लूंगा, नवकार मंत्र का स्मरण बस, बाकी मुझे एकाशना तो चालू ही रखना, किसी भी संजोगों में तोड़ना नहीं है। तो कितनी मक्कमता थी, चारित्र की कितनी प्रबल भावना होगी, परीक्षा भी होती है कसौटी भी होती है, फिर भी उन्होंने एकाशना तोड़ा नहीं, चालू ही रखा। तो 3 साल करीब पूरे पूरे होते 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 उनको अनुमति भी मिल गई, बरोबर ना। हाँ वंशी का अगर अनुमति न मिले तो ऐसा उपाय करने का, जब तक दीक्षा की जानी मिलेगी मैं एकाशना करूंगी, व्याशना करूंगी, मिठाई नहीं खाऊंगी, नमकीन ना खाऊंगी, ऐसा कुछ करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए सभी को। हाँ, तो अनुमति मिली, और फिर किसी ने कहा अरे अब तो बस अनुमति मिल गई है तो अभी एकाशना छोड़ दो, पालना कर लो अथवा व्यासना कर लो। उन्होंने कहा नहीं, गृहस्थ जीवन में इतना किया तो साधु जीवन में तो और तपस्या करनी चाहिए, साधु तो तप से शोभता है, तो उन्होंने चालू ही रखा, करीब करीब आजीवन चालू रखा, इसमें बढ़ोतरी की। लास्ट अंतिम करीब 8 साल तक उन्होंने क्या किया मालूम है, वर्षी तप किया पिछले 8 सालों में, करीब करीब 51 वर्ष का उनका दीक्षा पर्याय, उसमें से 3 साल पहले से शुरू कर लिया था, करीब करीब मेरे ख्याल से समझ लो कि मैं 44
45 साल तक तो एकाशना, उसके बाद वर्षी तप किए 8। और पिछली जिंदगी में कई बार कोई हमारे शिष्य वगैरह होते थे, कोई भक्त श्रावक होते थे, श्राविकाएं होती थी, वो कहते थे गुरुदेव आपको तो कितनी सारी जिम्मेवारी है पूरे गच्छ की शासन की, तो आप कृपा करके अभी वर्षी तो रहने दीजिए। आप वो एकासना करते थे, वो ठीक है। गुरुदेव क्या कहते थे कि देखो आपको यही भावना है ना कि मैं ज्यादा समय तक जिंदा रहूं, हाँ तो फिर मुझे मेहरबानी करके दूसरी बार कभी भी तपस्या छोड़ने के लिए आग्रह मत करना, क्योंकि तो तपस्या से क्या होता है, कर्मों की निद्रा तो होती है, शरीर की बीमारियां वो भी दूर हो जाती है, सारे विकार शरीर के मन के सब तपस्या से दूर हो जाते हैं, इसीलिए मुझे ये वर्षी तप छोड़ने का आग्रह मत करना। हाँ, और आपके आशीर्वाद और आज्ञा और कृपा से तो आपके पटधर जो होते हैं कौन, उन्होंने सागर सुरेश्वर जी महाराज से बचकर अधिपति कितने वर्ष की उन्होंने 54 अपनी जिंदगी का अंतिम दिन तक वर्षी तप चालू रखा, 54 वर्षी तप। अभी अगले चतुर्मास में उनका स्वर्गवास हुआ श्रावण सुनी छठ के दिन। हाँ, तो ऐसी तपस्या खुद करते हुए शिष्य प्रशिष्यों को आदर्श दिया कि साधु को तप करते रहना चाहिए, कितनी सारी जिम्मेवारी। और देखो आजीवन एकाशना और लास्ट में वर्षी तप किया, देखो तो काला उबली पत्र लग दिखता है, दिखते पत्र दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, बराबर दिखते हैं, तंदुरुस्त। हाँ, इसलिए वो हमारी गलत फहमी है कि तपस्या करेंगे तो उबले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो दीक्षा 1924 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में 1993 मैंने 24 साल की 1969 में जन्म, 1993 में दीक्षा हुई 24 साल की उम्र में। और उस वक्त थे गुरु महाराज थे हमारे मुनि मंडल अग्रेश्वर लाडा साहेब श्री गौतम सागर जी महाराज साहेब थे, वो उस वक्त हालार में जामनगर प्रदेश में विचरते थे, तो कच्छ दीक्षा लेने के देहरिया गांव में दीक्षा उनके मातृभूमि में, वो उस वक्त जहाँ पहुंचे शक्ति संजोग नहीं थे, तो उनके शिष्य थे उस वक्त पन्यास थे मेरे ख्याल से दान सागर जी और नेत्र सागर जी महाराज, उनको आज्ञा दी, वो कच्छ में मेरे ख्याल से थे, तो उनके हाथों से दीक्षा हुई। और दादा साहेब बड़ी उम्र वाले थे तो अपना शिष्य नहीं बनाते थे, तो उनका शिष्य था धनी वर्य श्री नीति सागर जी महाराज साहेब, धनी वर्य श्री नीति सागर जी महाराज साहेब का शिष्य उनको घोषित किया गया। इसीलिए उन्होंने पीछे तो कितना साहित्य की रचना जो की है ना, 24 भगवान की स्तवन जो भी तो है, कितने करीब करीब सैकड़ों स्तवन हो रचित किए हैं, तो सभी स्तवनों के अंत में क्या नाम आता था, गौतम नीति गुण कहे, गौतम माने दादा शशि गौतम सागर जी महाराज साहेब, और उनके शिष्य नीति माने गणी वर्ष नीति सागर जी महाराज साहेब, और इनके शिष्य गुण माने गुण सागर जी सुरेश्वर जी महाराज साहेब। तो अपने गुरु और दादा गुरु का नाम भी हमेशा हरेक रचना में आपने वैश्य जोड़ा है, इस प्रकार से अपने गुरु और दादा गुरु के प्रति अपनी भक्ति को अभिव्यक्त उन्होंने की थी। तो गणी वर्ष नीति सागर जी महाराज के शिष्य के नाम रूप में उनका नाम क्या घोषित किया गया, मंजिला श्री गुण सागर जी महाराज शायद उनका नाम घोषित किया गया। और दीक्षा लेते ही एक और वयोवृद्ध दादा साहेब श्री गौतम सागर जी महाराज साहेब की हर प्रकार की अच्छी तरह सेवा करना, और साथ में ज्ञान की भी इतनी अभिरुचि तीव्र थी, उस जमाने में आज की जितनी सुविधाएं नहीं थी, आज तो किसी भी साधु साधु को अध्ययन करना है और पंडित तो कितना भी बड़ा ऊंचा पगार हो देने के लिए कई भक्त श्राव पढ़ा पढ़ी करते हैं, हमको लाभ मिलो हमको लाभ दो, कई संघ भी तैयार रहते हैं हमको लाभ दो पंडित जी का पगार वगैरह चुकाने के लिए, उस जमाने में इतनी सुविधाएं नहीं थी, और कच्छ जैसे प्रदेश में पंडित भी कहाँ से मिलेंगे, बड़ी मुश्किल से थोड़ा ही महीना पंडित जी के पास अभ्यास करने का उनको मौका मिला, और पंडित जी का अभ्यास भी पगार के लिए भी कितनी बड़ी बड़ी पीढ़ियों को कितने पोस्ट कार्ड लिखे, तब मुश्किल से कभी कोई थोड़ा सा रुपया लिखते, ऐसी स्थिति थी।
इतने पैसे भी समाज के पास पहले नहीं थे और इतनी उदारता भी शायद नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा कुछ समय, थोड़े ही महीने वो पंडित जी के पास संस्कृत आदि का अभ्यास किया, थोड़ा सा अभ्यास किया, बाकी तो स्वयं फिर अभ्यास करते गए करते गए। हाँ, सिद्ध हेम शब्दानुशासन व्याकरण वगैरह भी आपने कंठस्थ कर लिया। विहार में भी उनका स्वाध्याय और अध्ययन चालू ही रहता था। तो ऐसे ही करते करते फिर कच्छ से जामनगर पधारे राजा साहब के पास, तो रास्ते में भी वो स्वयं अभ्यास और स्वाध्याय वगैरह चालू रहता था। और इतना ही नहीं, तीन चार वर्ष का दीक्षा पर्याय में भी आपने संस्कृत में रचनाओं करना का प्रारंभ कर लिया था। जैसे कि शिपाल राजा का चरित्र संस्कृत में आपने रचा है, द्वादश पर्व कथा संग्रह, माने साल में जो 12 मुख्य जैन पर्व आते हैं ना, उनकी कथाओं उनका वो भी संस्कृत में आपने रचना की, कुछ संस्कृत श्लोक भी आपने बनाए थे संस्कृत में। तो ऐसी उनकी विद्वत्ता साथ में उनकी सेवा विनय आदि गुणों से खुश होकर के दादा साहेब श्री गौतम सागर जी महाराज साहेब ने आपको केवल 5 वर्ष के लघु दीक्षा पर्याय में उपाध्याय पद पर आरूढ़ किया। केवल 5 साल का दीक्षा पर्याय, माने 1998 में कच्छ मेराऊ गांव में आपको उपाध्याय पद पर आरूढ़ किया गया। इतना ही नहीं, उसके 5 साल बाद विक्रम संवत 2003 में तो आप राणा साहेब ने पूरा अपना जो समुदाय था अचल गच्छ का साधु साधियों का, उनकी व्यवस्था की जिम्मेवारी भी आपको सौंपनी। कुल निवृत्त हो गए क्योंकि वयोवृद्ध थे, तो वो विद्यमान कुल थे, फिर भी गच्छ की समुदाय की पूरी व्यवस्था की जिम्मेवारी 2003 में ही उपाध्याय अवस्था में ही आपको राणा साहेब ने सौंप ली थी। और राणा साहेब का स्वर्गवास 2008-09 में हो गया। उसके 3 साल बाद विक्रम संवत 2012 में आपकी आचार्य पदवी भी मुंबई में लालवाड़ी में हुई थी, परे लालवाड़ी में 2012 में आपकी आचार्य पदवी हुई थी। आपके साथ में दूसरे भी 2 ज्ञान सागर जी पंडित सागर जी महाराज थे, एक मुंबई में थे एक कच्छ में थे, लेकिन तीनों की एक ही दिन वो आचार्य पदवी हुई। जैसे हमारे तीनों की हुई, कविंद्र सागर जी गणगर वीरभद्र सागर जी और मेरी, तीनों की गणी पदवी और आचार्य पदवी भी एक ही दिन एक ही साथ मतलब हुई थी। तो आप मुंबई और कच्छ में थे तो भी तीनों की एक ही दिन पर आचार्य पदवी हुई। और फिर तो कहा है, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, जिन शासन की उन्नति करने वाले होते हैं आचार्य भगवान। और जिस दिन आचार्य पदवी आपकी हुई ना, उसी दिन नूतन जो आचार्य होते हैं तो अपना जो प्रवचन देते हैं सबसे पहला, उसमें आपने जाहिरात उद्घोषणा की थी कि देखो आप अभी जैन शासन में अलग अलग अनेक गच्छ संप्रदाय समुदाय वगैरह हैं, तो वो व्यवस्था वो तो ठीक है, व्यवस्था के लिए हो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन काल के प्रभाव से छोटी छोटी बातों के लिए आपस में खिंचाव तानी होती है, टकराव होता है, एक दूसरे के ऊपर पत्रिकाबाजी आक्षेप करना, हम सच्चे हैं आप झूठे हैं, वैसे वैसे जो होता है, इससे क्या होता है जैन शासन की अपराजना अवहेलना निंदा होती है जैनित्र लोगों में कि देखो ये जैनों के साधु लड़ते हैं ऐसे वगैरह, अखबारों में कभी कभी एक दूसरे के सामने विरोध भी देते थे, तो आपका हृदय बहुत व्यथित होता था। और आपने जाहिरात की थी कि मैं चाहता हूं कि ये सब बंद हो और सभी समुदाय के आचार्य इकट्ठे होकर के शास्त्र सामने रखते हुए आपस में शास्त्रानुसारी चर्चा करते हुए उत्सर्ग अपवाद वगैरह का आलम्बन लेते हुए अगर कोई ऐसा सर्वानुमति से निर्णय हो, ये अत्यंत प्राचीन काल में समझो कभी ऐसा भी होता है कि एक ही आचार्य, जैसे अभी तेरा पद में चलता है कि आचार्य एक ही होते हैं सभी उनके आगरा में होते हैं, इस प्रकार से ऐसा कोई अगर निर्णय होता है तो उसके लिए मैं अपनी आचार्य पदवी छोड़ने के लिए भी तैयार रहूंगा हमेशा। इतना ही नहीं, हमारे गच्छ समुदाय की अमुक समाचारी तो रहनी चाहिए, ऐसा भी आग्रह मैं रखूंगा। नहीं, कितनी सोचो उदारता, जिन शासन के प्रति कितनी भक्ति और एकता के लिए कितना हृदय में कितनी भावना होगी, उसके बाद तो आप कितने रपागचारी के बड़े बड़े आचार्यों को भी मिले। और जब मुंबई से समीर शिखर जा छरी पालता संघ 1000 यात्रियों का आपकी प्रेरणा और मिश्रा में निकला था, तो उत्तर प्रदेश MP बिहार वगैरह में अनेक दिगंबर आचार्य से मिलना भी होता था, उनके साथ भी इसी बात पर ही आप अपने भाव व्यक्त करते थे।
आचार्य भगवान जी रामचंद्र सूरी महाराज बहुत शासन प्रभावक और थे प्रवचनकार, तो आपको भी दो तीन बार आप मिले थे और आपके पास भी उन्होंने यही भावना व्यक्त की थी। लेकिन उन्होंने बताया काल का एक प्रभाव है, ये कभी संभव नहीं दिखता। जैसे कि शिव मस्तु सर्व जगत, माने सब जगत के सभी जीवों का शिव माने मोक्ष हो, भावना की दृष्टि से बरोबर चाहे लेकिन वास्तविक संभव न भूतो न भविष्यति। इस प्रकार से काल का एक प्रभाव है, सभी एक तो नहीं हो सकते हैं लेकिन एक संपी एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखें, भले समाचारी जिसकी जो हो उसको उसका अनुसरण करें, अपने अपने परंपरा से जो भी गुरु परंपरा से मिला हो जो समाचारी उसको वफादार रहे, लेकिन एक दूसरे के प्रति हीनता का भाव तिरस्कार का भाव अनादर का भाव न रखते हुए आदर का भाव रखें तो भी बहुत है, आजकल उसकी बहुत बहुत जरूरत है। लेकिन काल का प्रभाव ऐसा है कि वो भी अब पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन हमारे हृदय में हम सभी को ये भावना बनाने के रखनी है। या जैसे आप भी देखो अभी यहाँ मंदिर मार्ग की व्याख्या अनुभव जिन वाणी श्रवण करना है और भले अपनी जो 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 समाचारी है उसको अनुसरण करो, कोई पांच को समस्या करते हैं, कोई चौथ को करते हैं तो ठीक है भाई, जिसको जो परंपरा मिली वो करो, लेकिन हम ही सच्चे हैं और दूसरे नरक में जाएंगे ऐसा बोलना या विचारना वो ठीक नहीं है। देखो हम भी कोई आग्रह नहीं करते हैं, कोई मुखपति बांधते हैं, कोई नहीं बांधते, इसकी जो समाचारी कोशिश करो, लेकिन एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखो, आंख में अमृत अमी रखो, सद्भाव रखो, ये अति अति जरूरी है। तो आप ऐसे भी ऐसी भावना वाले थे कि सभी से मिलते, कोई भी संप्रदाय समुदाय का आचार्य भगवान कभी हो मिलते थे, आपस में प्रेम से चर्चा वगैरह भी करते थे। तो इस प्रकार से शासन और समुदाय और वंश की अभिवृद्धि के लिए आपने बड़ी मेहनत करके कच्छ जैसे प्रदेश में दो दो विद्यापीठों की स्थापना की, सम्यक ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए। हमारे कच्ची समाज में उस समाज में बहुत सम्यक ज्ञान के विषय में थोड़ा पिछड़े हुए थे, पैसे कमाने में तो होशियार थे लेकिन आज भी देखते हैं ना, अभी अधिकांश तो यही पुरुष वर्ग में होता है कि धर्म करने में पीछे रहते हैं, कभी कभी अपने व्यवसाय में ही अति अति व्यस्त रहते हैं। यद्यपि होना ऐसा नहीं चाहिए, कुछ समय धर्म के लिए तो अवश्य ही निकालना ही चाहिए, लेकिन इतनी समझ सब में कहां से हो सकती है। तो बच्चों में संस्कार डालने के लिए एक और बालकों के लिए विद्यापीठ की स्थापना शुरुआत की कच्छ मेराव गांव में विक्रम संवत 2017 में 17 में आपने विद्यापीठ की स्थापना की, और उसके कुछ साल बाद फिर बालिकाओं के लिए भी पहले बालकों के लिए मेराव में थी, बाद में उसको ट्रांसफर किया गया नागलपुर में, और मेराव में फिर बालिकाओं के लिए, बालिकाओं के साथ कोई विधवा बहने वगैरह भी हो तो वो भी उसमें रह सकती हैं, पढ़ सकती हैं, पढ़ा सकती हैं, ऐसी भी व्यवस्था की, और सब फ्री ऑफ चार्ज, रहने का, भोजन का, किताब वगैरह सब फ्री ऑफ चार्ज रखते हुए, ऐसी उस जमाने में ये सब करना, जैसे कहा जाता है कि रेत में नौका को तैराने जैसी बात थी, बहुत कठिन बात थी, इसके लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि खर्च जो चाहिए उस जमाने में समाज के पास इतने पैसे भी नहीं थे और सारी की उदारता भी कम होगी, इसके लिए बहुत बहुत मेहनत आपने की। ऊपरा ऊपरी बच्चों में संस्कार डालने के लिए करीब करीब 5-4 मास तो विद्यापीठ में या मेरा गांव में किए, विद्यापीठ में ही लेकर खुद स्वयं पढ़ाते थे, खुद इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी बच्चों को स्वयं पढ़ाते भी थे और अच्छे अच्छे संस्कार डालते थे। ऐसे थे हमारे अनंत उपकारी गुरुदेव, सम्यक ज्ञान का इतना प्रेम था, और समाज का उत्थान कैसे हो, धर्म विषय में सब आगे कैसे आए, उसके लिए आपने इतना सारा मेहनत किया। आगे चलकर के बाड़मेर में भी एक विद्यापीठ की स्थापना आपने की थी, और शासन की भी प्रभाव ना हो इसके लिए आपने मुंबई से समेत शिखर जी का छरी पालता हुआ संघ विक्रम संवत 2040 में आपने निकाला था। उसमें भी उस वक्त ऐसा हुआ, जाहिरात हुई, संघपति भी के नाम भी लिखे गए, फिर किसी ने ऐसी अफवाह फैलाई दी भाई बिहार में तो बहुत गरीबी है इसलिए संघ को क्या करेंगे, लूट लेंगे, संघ में जो कन्याएं वगैरह उनका किडनैप अपहरण हो जाएगा, इसलिए कितने संघपतियों ने अपने नाम वापस ले लिए। फिर भी शायद का इतना मनोबल मक्कम था और
देव गुरु के प्रति इतना दृढ़ विश्वास था, आपने कहा संघपति कोई रहे कि नहीं रहे, एक भी रहे कि नहीं रहेगा तो भी ये संघ निकलेगा निकलेगा और निकलेगा ही, इतना मक्कम मनोबल था। और जब लालवाड़ी से संघ का प्रयाण हुआ, राय मऊ निकालिश के दिन माटुंगा आया, घाटकों पर पहुंचा, देखते ही देखते वापिस नए कितने संघपति जुड़ते गए, जुड़ा तो ये संघ निकल ही रहा है तो हम रह जाएंगे लालवाड़ी से, नए नए संघपति जुड़ते गए जुड़ते गए, और 1000 यात्रियों का वो चरीपा था वो असन, कल्पना करो कैसा होगा 1000 यात्री, उसका 500 जितना तो स्टाफ होता है कर्मचारी अनेक प्रकार, वो कितने मेहमान भी आते जाते हैं, साधु साधी करीब 67-68 जितने साधु साधी भगवान, हाँ इतना पूरा और रोज के करीब एवरेज 20 किलोमीटर जितना विहार होता था, हाँ इतना विहार करके पहुंचते हैं, फिर वह स्नात्य पूजा हर रोज होती है, एक आसने सबको करना है, दोपहर को प्रवचन होता है, प्रवचन भी दो होते हैं अपने श्रावक श्राविकाओं के लिए अलग संघ के लिए, और फिर जैनित्र लोग आसपास उस गांव के भी आसपास के कितने गांवों से आ जाते हैं सब कुतूहल से देखने के लिए, उनके लिए अलग व्याख्यान का तंबू था, उनमें मराठी आदि भाषा में हिंदी आदि मराठी आदि भाषाओं में भी प्रवचन दिए जाते थे, इस प्रकार उन सभी को क्या किया जाता था, सप्त व्यसन त्याग उनके लिए प्रेरणा दी जाती थी और उनकी प्रतिज्ञा भी करवाई जाती थी, उनका बहुमान वगैरह भी होते थे, इस प्रकार से हजारों जैनेत्रों को आपने सप्त व्यसन त्याग करवाए, और इसी कारण से तो उस वक्त बिहार के गवर्नर किडवाई रफी अहमद किडवाई भी संघ का और आपका दर्शन करने के लिए आए थे, आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, और जब ये संघ पहुंचा समेत शिखर जी में, वहां पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें राष्ट्रपति अपने गवर्नर की बिहार के किडवाई ने आपको भारत दिवाकर की उपाधि से अलंकृत किया। इसी प्रकार से जब आप वर्षितप कर रहे थे तो कच्छ में 72 जिनालय पर आपकी प्रेरणा से ही कच्छ में 72 जिनालय बनाए, जो तो वहां पर उस वक्त के राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह वो भी पधारे थे, और वर्षियत का पालना राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह के हाथ से हुआ, और उन्होंने राष्ट्र संत का विरुद्ध भी उसी वक्त घोषित किया था, और ऐसे ऐसे कितने तीर्थ प्रभाव अपोनिधि चमत्कारिक बाबा कितने कितने आपके ऐसे विरुद्ध मिले थे। जब वो संघ चमी शिखर की ओर जा रहा था, प्राय बिहार प्रदेश था, एक बार ऐसा हुआ सामने ट्रक आ रही थी, उस ट्रक का जो ब्रेक फेल हो गया था, तो कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे ऐसे जाती थी, साहब आप बड़ी उम्र में, बड़ी उम्र तक तो पैदल ही चले बिहार करते थे, एकदम पिछली की थोड़ी सालों में आपने उस जमाने मिल जाने की डोली का उपयोग था, तो डोली में थे, और अचानक वो ट्रक ऐसे घूम करके इधर साथ जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो ट्रक सामने से राइट हैंड से सीधा इधर आए, बिल्कुल 1 फीट का मुश्किल से फासला था, हाँ, और डोली वाले इतना घबरा गए, थोड़ी छोड़ करके वो भाग गया, सबको अपना ध्यान कर रहा होता है, तो भाग गए इधर, साहब ने केवल ऐसा हाथ किया और देखो क्या चमत्कार हुआ, वो जो व्यक्ति धीरे से उधर ही लुढ़क गई, न ड्राइवर को भी कुछ तकलीफ हुई, न किसी को भी कुछ हानि हुई, अगर थोड़ा सा आगे जाती तो क्या हो जाता सोचो, कोई संघ का क्या होता, लेकिन शासन देवी कक्षाधिष्ठाई का माँ काली माता केसरी देवी का भी आपके ऊपर अदृश्य कृपा थी ही, हमेशा आप अप्रमत्त रूप से रात को करीब 12 बजे उठ जाते थे, 9 बजे के आसपास सोना, करीब 3 घंटे मुश्किल से आराम करते थे, बाकी 12 बजे के आसपास उठ जाते थे, सूर्य मंत्र का जाप वगैरह आराधना साधना में लग जाते थे, तो शासन देवों की भी कृपा थी, वो ट्रक ऐसे लुढ़क गई, वो बेचारा वो ड्राइवर आया पाँव में घिरा, तो माफी मांगता है, तो चिंता मत करो कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, तब से आपको चमत्कारी बाबा के रूप में वहां से लोग फिर सब बात कर फैल जाती है, बात बड़ी चमत्कारी है बाबा, तो ऐसे वो बात फैल गई, तो चमत्कारी बाबा समेत शिखर में इतने साधु साधी का चतुर्मास हुआ, उसमें आपने आपकी विद्वत्ता की थी, देखो कि पुत्रादन सूत्र का पहला एक ही श्लोक, विनय अध्ययन का पहला एक श्लोक, संजोग विनयम पाव करिष्यामी अनुबुद्धिम सुने हमें, इस एक श्लोक के ऊपर आपने 4 महीने तक साधु साधी भगवंतों को वाचना ली, और उसी चतुर्मास से आपने हमको भी आज्ञा दी थी, तो 6 कर्म ग्रंथ वगैरह साधु साधी को पढ़ाने का, वाचना देने का, उनकी परीक्षा लेने का वो लाभ हमको भी आपकी कृपा से मिला। आपने लालवाड़ी में चतुर्मास की बात किया था मुंबई में, उस वक्त भी शांत सुधार मेरे ख्याल से ग्रंथ था, एक पहले एक ही श्लोक के ऊपर 4 महीना आपने प्रवचन दिए थे, इतनी
विद्वत्ता होते हुए भी आप में इतनी लघुता थी, अहंकार नहीं, इतनी विनम्रता थी कि मानो कभी ऐसा होता है कभी कोई बाल साधु ने कोई भूल कर दी तो उनको उपालम देना पड़ा, थोड़ा गुस्से से थोड़ा सा डांटना पड़ा, तो भी कभी क्या करते थे, और शाम को प्रतिक्रमण के समय में सबके बीच में वो बोलते थे फलाना मुनि मैंने आपको जरा ऊंची आवाज में ठपका दिया, आपको बुरा लगा होगा, मिच्छामी नुक्कड़म, हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे, अरे साहब आपको तो हक है, अधिकार है, आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, हमारी भूल हमें कौन दिखाएगा, फिर भी हमारे में प्रैक्टिकली वो संस्कार डालने के लिए इस प्रकार से आप करते थे, इतनी लघुता नम्रता आपके जीवन में थी, कई बार समता और क्षमा तो ऐसी थी, कई बार सभा के बीच में कोई आपका इंसल्ट अपमान कर दे, दुनिया में हमेशा परापुरुष चला होता रहा है, जो जो बड़े बड़े महापुरुष हैं हुए हैं ना, चाहे कलिकाल से हेमचंद्राचार्य भगवंत हो, 444 हरिभद्र सूरी महाराज हो, चाहे उपाध्याय से यशोपति जी महाराज जैसे हो, उस जमाने भी जैसे उनके कई भक्त भी होते थे तो सामने कितने विरोधक और निंदक भी होते थे, तो ऐसा होता है, भगवान भी जैसे भगवान के भी गोशाला जमाई वगैरह थे कि नहीं थे, तो कभी भर सभा में कोई ऐसा अपमान कर देता है तो भी आप एकदम शांत चित्त से सुनते थे, जरा भी उनके ऊपर गुस्सा वगैरह नहीं करते थे। एक बार ऐसा हुआ, चल पाता हुआ संघ जबलपुर में प्रवेश हुआ, MP में भव्य स्वागत सामैया हुआ, विशाल सभा का आयोजन था, उसमें शुरुआत में एक श्रावक वहां का कोई वो खड़ा हुआ, प्रासंगिक वक्तव्य में तो ऐसे प्रसंग में तो अनुमोदना करनी चाहिए संघ वगैरह की, लेकिन उसकी बजाय आपने भक्तर जिनारे बन रहा था आपकी प्रेरणा से, उसके विरुद्ध में ऐसे एकदम एलफेल बोलने लग गया, हम सब साधु साधी भगवंत और कुछ श्रावक श्रावी का ऊंचे नीचे होने लगे, अरे क्या प्रसंग है और क्या ये बोल रहा बकरा है, इसको तो बंद करवाना चाहिए, लेकिन सब उन्होंने देखा साथ एकदम सहज बैठे हैं, बिल्कुल स्थित प्रज्ञ, एक पतली सी रेखा भी चेहरे पर कोई गुस्से की क्रोध की नाराजगी की नहीं थी, और उसको जितना बोलना 15-20 मिनट बोलने दिया, बीच में से रोका भी नहीं, अगर चाहते तो उसको रोक भी सकते थे स्वयं भी अथवा किसी के मार्ग पर, लेकिन कुछ नहीं किया, बोल करके वो शांत हुआ बैठा, फिर आप विथ स्माइल हंसते हुए प्यार से उसको पूछा, फलाना भाई आपका जरा नाम क्या, अमुक नाश का गाँव, ओहो आपके मेरे खाते मेरा गाँव कैसा था, आपके पिताजी ने तो कितना धर्म के अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और ऐसे मंदिर बनते हैं उसमें भी कितना लाभ लिया है, आपको अनुकूलता हो तो लाभ लेना, नहीं तो कोई आग्रह नहीं है, बस इतना बोल करके फिर जो अभी प्रस्तुत में विषय था आसन का उसके अनुसंधान में फिर बोलने लग गए, ठंडा पानी डाल दिया उसके ऊपर, अगर उसमें थोड़ा गुस्सा करते उस वक्त नाराजगी करते तो क्या हो जाता, पूरा वातावरण कितना माहौल बिगड़ जाता, उसके प्रत्याघात पूरे विश्व में कितने भारत भर में कितने नेगेटिव पहुंचते, क्योंकि बात तो इतनी बात होती है बाहर इतनी हो जाती है, मिर्च मसाला लोग डालते जाते हैं ना, लेकिन वो समय सूचकता समयज्ञता बोलते हैं इसको, सोच आपने इस प्रसंग को ऐसे टैकल कर लिया, और भी अनेक ऐसे प्रसंग आए हैं, सभी प्रसंगों में आपकी समता हमने नजरों नजर देखी है, क्योंकि मुमुक्षु अवस्था में जब अध्ययन करते थे अध्यात्म कल्प ध्रुम ग्रंथ है उसमें एक ऐसा श्लोक आया कि हे जीव यदि तू गुणों से परिपूर्ण है, अगर तू गुणों से परिपूर्ण है तो तुझे गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोध ये तो अवगुण है, और यदि तू गुणों से अपूर्ण है तो भी तुझे गुस्सा कोई कुछ बोल दे तो भी गुस्सा करने का तो तेरे गलती है तो उसको सुधार, कल आचार्य भगवान ने कहा था ना, क्या कहा था वो याद है ना, कीचड़ का दाग है ना, तो अच्छा उसका आभार मानो, आपने दिखाया तो मुझे पता था तो मैं साफ कर दो, और नहीं है फिर भी वो बोल रहा है तो भी रॉन्ग नंबर से आपके जीवन में सहज था। एक बार ऐसा हुआ, अभी जी गृह जीवन में थे, मुमुक्षु अवस्था में थे, और कुछ दो सहायिकाओं को समेत सीकर की यात्रा करने की भावना थी, दोनों सहायिका थी तो साथ में कोई जेंट्स हो तो व्यवस्था के लिए ठीक रहे, तो किसी ने कहा ये गांव जी है रिक्शा धर्मनिष्ठ है इसको ले जाओ, लड़का था उसको बोला तो ये तो अच्छी बात है तीर्थ यात्रा होगी, माँ बाप के पास से रजा भी मिल गई और गए साथ में, लेकिन आपका संकल्प था कि मुझे पशु संचालित वाहन में नहीं बैठना है, घोड़े घोड़ा गाड़ी में या बैलगाड़ी वगैरह में नहीं बैठना है, तो वो तो ट्रेन तो अमुक समय अमुक तक जाती है, बाकी फिर तो घोड़ा गाड़ी वगैरह में जाते हैं,
दूसरा जी क्या घोड़ा गाड़ी में चलती बैठती थी, अपना थैला धाम जी को ले देती थी और वो थैला ऐसे लटका करके वो दौड़ते 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 घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़ते दौड़ते जाते हैं। इतना होने पर भी उसका कदर नहीं किया, अनुभव न करने की बात तो दूर रही, धन्यवाद देने की बात तो दूर रही, ऊपर से छोटी छोटी बात उनको कटु वचन एकदम बोलती थी, गालियां देती थी, फिर भी आप शांत मुमुक्ष अवस्था में भी आपकी ऐसी स्थिति थी। और जब वो यात्रा पूरी हुई ना, तब उन श्राविकाओं ने कबूल किया किसी के सामने कि सचमुच यात्रा तो धाम जी की हुई है। ऐसी स्थिति में भी इसने उनको गुण देखे तो आखिर उनका हृदय भी पिघल गया, अपनी गलती का उनको एहसास होया, भले अपनी स्वभाव के कारण गुस्से में उसने कुछ बोल देती थी, फिर भी उनको एहसास हुआ कि नहीं सचमुच छोटा है बालक है, फिर भी कितनी क्षमता इसने रखी, यात्रा तो वास्तविक इनकी समझ हुई है, ऐसा उन्होंने इकरार किया। ऐसे थे हमारे गुरुदेव, इतने सारे कितने उनके गुण है, गुणों के नाम गुण सागर, सूर्य जैसा नाम वैसा गुण यथार्थ नामी है, अनेकानेक गुण उनके जीवन में थे। अपने पास समय तो बहुत मर्यादित है इसलिए ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, फिर भी उनके दो चार गुणों को संक्षेप में बोलने के लिए कोशिश करता हूँ। साध्वी और कर्कश देखो कितनी थी, समाज के उत्थान के लिए एक और ऐसे बड़े बड़े दो संघ, मुंबई से समय शिखर से पालीताना का भी छवि पालताना संघ आपने निकाला था, 72 जिनालय कच्छ में, वो जो समय शिखर 20 जिनालय आपकी प्रेरणा से हुए, और भी कितने करीब मुंबई में 40 जितने उपाशय हुए, और कितने मंदिरों की प्रतिष्ठा गिर करवाई, कितने कितने शासन के कार्य, विद्यापीठों की सावन, संकेश्वर में भी कच्छी भवन, समय शिखर में भी कच्छी भवन लोगों के लिए वगैरह वगैरह, पालीताना में भी है, कितने सारे शासन के समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करवाए, लेकिन अपने लिए कितने कर्कश और सादगीपूर्ण जीवन था। कई बार कोई शिष्य होकर बोल देते सर आपके नाम पे एक लेटर पर छपा दी ऊपर आपका नाम हो या फोटो हो, साहब के नहीं बिल्कुल नहीं, और इतना ही नहीं आपने लाखों श्लोक प्रमाण संस्कृत में और गुजराती में गद्य पद्य साहित्य की रचना की, लेकिन उस रचना के लिए कोई फैश लेटर पैड अथवा लॉन्ग क्या पन्ने लॉन्ग नोटबुक डायरी कुछ नहीं। जो साधु साधी भगवान उनको पक्षी पत्र लिखते हैं ना, चाहे जब पोस्ट कार्ड लिखा हो तो आधा खाली है तो उसका उपयोग कर लेते थे, अंतर्देशी किसने लिखा है उसमें भी आधा पुरा लिखा है थोड़ा बाकी है तो उसका उपयोग कर लेते थे, किसी ने लिफाफा लिखा है तो लिफाफा को खोल लेते पूरा, हाँ अंदर तो कोरा होता है ना, ऊपर एड्रेस होता है अंदर कोरा होता है, तो उसके ऊपर भी वो संस्कृत श्लोक वगैरह जो उसकी रचना करते थे। इतना कर्कसर है ना, वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि महापुरुषों का स्वभाव कैसा तो है, दूसरे जीवों के प्रति करुणार्द्र कोमल, फूल से भी अधिक कोमल, पर अपने लिए वज्र से भी ज्यादा कठोर होते हैं, खुद के लिए इतनी सादगी, कभी पुराना कपड़ा भी झीर्ण होने आया है, हम लोग बहुत आग्रह करते हैं चेंज करना है, कभी नए कपड़े को यूज करने से पहले उस कपड़े को ऐसे ऐसे मसल देते थे, इसकी टाइट नहीं, हम लोग कभी क्या करते हैं कपड़े धोने के बाद जो व्यवस्थित घड़ी करके दबा करके रख दें जरा व्यवस्थित हो जाए, नहीं वसी कर पीलों के नीचे तकिए के नीचे रख लेते, वो नहीं करते थे, वो तो होता था उसको ऐसे मसल जाते थे कि नया कपड़ा या एकदम अच्छा कपड़ा साधु को शोभा नहीं देता है। इतनी सादगी कर्कश्वर नम्रता समता क्षमा आदि अनेक अनेक गुणों से अलंकृत आपका जीवन था। बीमार तो प्राय होते नहीं थे, लेकिन कर्म संयोग से कभी कोई छोटी मोटी बीमारी हो भी तो भी तो भी आप प्रवचन चालू है कई बार आई है पहले क्यों आज चलो ओम शांति। तो क्या हुआ, क्या बात चलती थी, क्या मुद्दा था बोलो, बीमारी कगर पर आ गई तो भी वो एलोपैथी दवा प्राय करके टालते ही थे, वो सिंपल सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कहते हैं ना, साधु का सादा जीवन उच्च विचार, घरगथु उपचार करते थे, खास करके ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक माने अटो और मिट्टी, कच्ची में आटा, आटा और मिट्टी, लोग गेहूं का आटा उसमें पानी मिला करके
लगा देने का, कहीं कुछ हुआ है तो। भगंडर हुआ था, भगंडर नीचे होता है, इतना बड़ा होता है, खून निकलता है, पर्स निकलता है, उसको भी मिट्टी और पानी के प्रयोग से मिटाया, कोई दवा नहीं ली। एक बार होंठ के ऊपर उसे तो बड़ा बड़ा हो गया, होंठ इतना गया, डॉक्टर ने कहा काटना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ जरूरत नहीं है, बस ये मिट्टी अथवा गेहूं के लोट का पेड़ा बना करके, हल पेड़े की प्रभाव ना इधर पेड़ा बना करके इधर रख देते थे। और इसी प्रकार से बिना ऑपरेशन बिना दवा लिए आपने मिटा दिया। एक बार समय शिखर में ऐसा हुआ, दिशा के एक कोई श्रावक आए, क्या नाम था, शुक्ला जी, हाँ वो आए। वो क्या प्रयोग करते थे, चावल कितने रोग मिटाए थे, कितनी चावल ओलिया, केवल भात और पानी, भात का पानी, उससे आमिल की ओली खुद करते थे, कितनों को पहना लेकर के करवाते थे, ये रोग मिटाने के लिए भी। आत्म साधना कर्मजा के लिए तो भले है, लेकिन साथ में कोई बीमारी हुई है उसको मिटाने के लिए भी ये तीन प्रयोग बताते हैं। चावल क्या आपको जानना, तीन प्रयोग, हाँ एक तो है आमिल करने का, भात और भात का पानी, उसामल इसको बोलते हैं, आप वो फेंक देते हैं, अरे उसी में तो सब तत्व होता है, भात के पानी में उसको आप फेंक देते हैं। क्योंकि तो कैसा हुआ, चाय बनाने को किसी कई लोगों को कहा गया, तो चाय का पानी फेंक दिया चानी चाय को, और वो जो बाकी पत्तियां बची थी ओले उसमें रकाबी में ला करके मेहमानों को परोसिए लिए लिए चाय, हाँ तो पीने वाला जो था वो लाल फेंक दिया उसमें वो रखा है। ऐसा करते हैं आप लोग, भात का जो पानी होता है उसमें ताकत सत्व होता है, बाकी तो ठीक है, हाँ उसको फेंकना नहीं चाहिए, वो पीना चाहिए। तो क्या हुआ, एक तो इससे आमिल, भात और भात का पानी हम एक बार कराते हैं मस में आमिल ऐसे, तो ये दूसरा प्रयोग क्या है कि हर रोज आमिल नहीं कर सकते तो भोजन से पहले थोड़ा कितना सा भात खाओ और उसके साथ जितना हो सके उतना पानी ज्यादा पियो, तो सब किसी का पेशाब बंद हो गया तो उससे वो खुला हो जाता है, गर्मी निकल जाती है। तीसरा प्रयोग है हर रोज सुबह नौकरशी से पहले कच्चे चोखा, उसमें भी अगर मशीन से वो सड़ा हुआ नहीं, हाथ से बड़ा हुआ तो सिंधी चोखा लाल रंग का कर, वो तो ज्यादा अच्छा, वो कच्चा चोखा इतना ले लेने का, चबाने का नहीं, सीधा ऊपर एक लोटा दो लोटा पानी पियो जितना पीछे बोलना, और फिर 20-15 मिनट के बाद नाश्ता करने का, ये तीसरा प्रयोग। ऐसे तीन प्रयोग बताते थे, उसी दिन से आपने तुरंत ये प्रयोग शुरू कर दिया, हाँ सुबह मतलब जब गोची वापरने से पहले कच्चा चोखा चावल इतना ले लेते थे, उसके ऊपर पानी पी करके थोड़ी देर के बाद खाते थे। तो ऐसे ऐसे सिंपल प्रयोग आप बहुत करते थे, हाँ और क्या भी ऐसे, हाँ दूसरा आपने 100 हर रोज पंच परमेष्टि भगवंतों को 108 क्षमा श्रमण क्षमा श्रमण इच्छामि क्षमा श्रमणो मंडियो जावी जाय ऋषि आए मत पंचांग प्रणिपात, जिसको बोलते हैं पांच अंग जमीन को छुए, दो पैर दो हाथ और मस्तक, इस प्रकार से पंचांग प्रणिपात आप 108 बार कितने सालों से देते ही थे करीब करीब अंतिम समय करीब करीब। तो उसमें पिछली वाय में आपका शरीर भी थोड़ा हेवी था और पूरा समझो नहीं दे पाते, तो भी जितना हो सके उतना झुक करके भी आप ऐसे खड़े रह करके शरीर और हाथों से भी जमीन को छूते हुए भी ऐसे भी वो 108 कमासन हमेशा देते रहते थे। और जब हमारा चतुर्मास आज से 8 साल पहले कच्छ हालापुर गांव में था, विक्रम संवत 2012 में, तब ये उनके स्वर्गवास की तिथि आती है भाद्रवा अमावस्या की, तो आपके गुणानुवाद में सब ये बात निकली। एक सालिका ने उसी दिन से संकल्प किया कि मैं हर रोज 108 खमास मना दूंगी। उन्होंने संकल्प तो चतुर्मास तक का किया था, मैंने भाद्रवा मास से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक का, लेकिन 12 महीने तक घर पे चालू रखा उन्होंने 108 खमास मना हर रोज देने का। आप में से कोई ऐसा करेंगे, वो तो साल में एक बार देते अच्छी बात है, लेकिन 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 अगर हो सके तो, हाँ तो क्या तंदुरुस्ती शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शरीर को व्यायाम हो जाएगा। ऐसे कई लोग लॉन पे घूमने निकलते सुबह शाम, घास के ऊपर चलते हैं तो विराजना होती है, इससे बोले अच्छा है कि ये करो एक मंत्र दो काज, शरीर का व्यायाम भी हो जाएगा और कर्म की निर्जला भी होगी। पंच परमेष्टि भगवंतों को 108 क्षमा श्रमण देते हैं तो उसका आंशिक अनुकरण करते हुए कम से कम आज हम क्या करेंगे, अभी आज 108वीं जन्मतिथि भी है तो 108 बार ही करना चाहिए, लेकिन 36 बार तो हम अभी यहाँ पर सब समूह में करेंगे।
आचार्य पर के 36 गुण ऐसे भी होते हैं ना, तो 36 का गुणों का नाम लेते हुए हम सभी यहीं पर साहब जी के सामने एक 36 समाचार यहीं पर देंगे, और बाकी के जो है आपके पूरे दिन में जब जब जिसको अनुकूलता मिले यहाँ आकर के साहब के सामने यहाँ पर एक पूरा 108 का मासना पूरा करेंगे बच्चे लोग। आप तो आराम से 17 को क्या पर कर सकते हैं है? और जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं पूरा कमाशन नहीं पाते हैं तो समझो खड़े खड़े रह करके इच्छा ऐसे बोल सकते हैं, खड़े सकते हैं कुर्सी पे बैठे बैठे के पैसे जितना झुक सके उतना झुका झुक करके कमाशन दे सकते हैं। पूरे 108 भले खड़े होकर जितने संभव उतना खड़े रहकर पूरा कमाशन डो, और बाकी के कमाशन हो जिससे आपकी सुविधा हो खड़े खड़े या बैठे बैठे भी करके भी 108 कमाशन आज के दिन देना है। और हर एक के लिए कोई भावना संकल्प करता है तो और अच्छा बरोबर है। घर पे भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको आपको देखो हाँ ये आपको ये स्टिकर है ये अभी दिए जाएंगे प्रभावना के रूप में, आपके बीच में तस्वीर है हाँ, तो आप और साथ में इधर आपके प्रथम जो पटदर थे 54 वर्ष तक जिन्होंने किया आचार्य भगवंशी गुणोदय सागर सूरी महाराज इनकी भी तस्वीर है, तो आपके पूजा स्थान जहाँ पर भी हो घर में मंदिर वहाँ लगा करके साथ में ये स्तुति भी है सकल विश्व में शांति प्रटोरिया लिखी है ना, स्तुति भी यहाँ पर लिखी है ओम शांति 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 एक और वाक्य तीनों लोक के सभी जीवों का भी लिखा हुआ है, तो इसमें से भी पढ़ करके आप घर पे भी ये प्रयोग हमेशा के लिए कर सकते हैं और गुरुवन के लिए भी ये बहुत उपयोगी होगा बरोबर है। हाँ जिनको भी चाहिए कोई कंपल्सरी नहीं है लेकिन जिनको भी चाहिए सभी को ये यहाँ पर अपने वीरेंद्र भाई देंगे पेड़े के साथ बरोबर, और साथ में और कोई खास महत्व की बात रहती है कल कल क्या है बोल लो कल क्या है कल है ना कल भी एक अपने यहाँ एक अच्छा बड़ा सुनो दूसरी दिन है कल कल अपना आचार्य भवन जहाँ इनके यहाँ धर्म में उपस्थिति है विराजमान है उनकी क्या है दीक्षा तिथि है दीक्षा तिथि कल आपकी दीक्षा तिथि है कल के दिन आपने दीक्षा लिया है सुनो 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 कल के दिन आपने दीक्षा लिया है और उस दीक्षा के कितने कितने साल पूरा होते हैं 46 साल पूरा होता होगा 46 हाँ और 47 में कल एंटर प्रवेश होगा और इतना ही नहीं कल दूसरा और भी है एक साथ में और भी है एक भाग्यशाली दिन कल आपकी आचार्य पति हुई थी कल के दिन आपकी आचार्य पति हुई थी वो आचार्य पद दिन कल है उसको भी 4 वर्ष पूरा होता है और 5वें वर्ष में प्रवेश करेंगे दोनों दोनों महात्मा का कार्य कल होगा उसका अपने अपनी भाषा में उनका कुछ गुणानुवाद भी करेंगे उनकी अनुमोदना भी करेंगे और इसलिए आपको आपको अभी आज आए कल भी हाजिर रहना है और दोनों दिन दोपहर को भी शादी जी के पास बहनों को खास करके सभी को कुछ भी समूह सामायिक के साथ कुछ भी आराधना करवाएंगे सभी 2:30 से 3:30 तक बरोबर है। उस दिन बीच में कितना सब गए थे अशावन भाई कितना सब जम गया पूरा और भर गया था महिला मंडल हाँ तो सभी महिला मंडलों को आना है क्या है सभी महिला मंडलों को जितने भी आप सबको आज और कल दोनों दिन 2:30 से 3:30 तक शादी जी के पास जाना है। हाँ और आज एक दूसरी बात है मैं शुरू में कराना रह गया कि दीक्षार्थी प्रियकांत भाई आपकी जो सगी बहन दिग्रस में है और यहाँ पर आई थी लता बहन ना यहाँ पर आई थी और यहाँ 2-3 दिन पहले इधर कुछ थोड़ा गिर गए थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है उनका आज ऑपरेशन अभी चालू होगा अभी तो वो भी निर्विघ्नता से अच्छी तरह परिपूर्ण हो उसके लिए भी हमें 12 नौकर का भी जाप करेंगे उसके बाद 36 समासना होगा उसके बाद पेड़ की और इसकी गुरुवंदन और साथ गुरुवंदन भी आज करेंगे प्रभावना होगी थोड़ी स्थिरता रखना जरा आज थोड़ा तो शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोक। तो लता बहन उनका ऑपरेशन भी निर्विघ्नता से हो ऐसी मंगल भावना के साथ 12 नौकर अभी हम गिनेंगे जल्दी जरा बोल करके गिनेंगे फटाफट जरा नमो अरिहंत नमो ये जो
Thank you.